कांग्रेस बजट पर सवाल उठा रही है, मगर भाजपा बजट की तारीफ कर रही है। सांसद निशंक ने भी बजट की तारीफ की है। पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे विकास की दृष्टि से हो, चाहे आयुष का हो, चाहे योग का हो, ये तो आयुष आयुर्वेद का जन्मदाता है उत्तराखंड, योग का भी जन्मदाता है। पूरी दुनिया के 197 देश आज योग के पीछे खड़े होते हैं और वो उनको कितनी खुशी होगी कि हाँ, जहाँ से योग की का जन्म हुआ, जहाँ से योग की धारा प्रभावित हुई है, उस प्रदेश में आएंगे, गंगा के प्रदेश में वो लोग आएंगे। और राज्य की जो विभिन्न, मैं देख रहा था कि जो छोटे मोटे बिंदु है उसमें भी 1,300 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्राप्त। उत्तराखंड में फायर ब्रिगेड की स्थिति ठीक नहीं है। आलम यह है कि विभाग के पास न तो पूरे संसाधन है, न ही कर्मचारी। हालात ये तब हैं जब उत्तराखंड पहाड़ी राज्य और यहाँ पर आगजनी की घटनाएं होती रहती है। फायर ब्रिगेड उत्तराखंड का एक बड़ा महकमा जो आगजनी के समय सबसे पहले मोर्चा संभालता है। इतना अहम विभाग होने पर भी फायर ब्रिगेड की हालात खराब है। फायर ब्रिगेड विभाग कर्मचारियों के साथ ही वाहनों की कमी से भी जूझ रहा है। अग्निशमन विभाग में फायरमैन से लेकर बड़े अधिकारियों तक के पद खाली है, जबकि राज्य में फायर सीजन चल रहा है। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में आगजनी की काफी घटनाएं होती हैं, मगर इससे निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के पास संसाधनों की कमी है। 445 जो है फायरमैनों की जो है सीधी भर्ती की रिक्ति के सापेक्ष जो है कार्रवाई प्रचलित है उनकी नियुक्ति की, वो एक काफी बड़ा गैप है। जो हमारा डायरेक्ट वर्किंग हैंड है वो अभी 50% ही है। और जहाँ तक हमारे अधिकारियों की बात है, जो परिवेक्षण अधिकारी है या जो स्टेशन इंचार्ज है, उसमें 24 जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी FSSO फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट का सीधी भर्ती का चल रहा है। और चीफ फायर ऑफिसर जो हमारे जनपद के नोडल ऑफिसर हैं इसमें फायर सर्विस के, उसमें भी 9 सैंक्शन पोस्ट है हमारी, जिसमें से 4 ही अवेलेबल है, 5 अभी रिक्त चल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और मशीनें भी काफी पुरानी हो चुकी हैं। फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से करीब 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो 18 साल से ऊपर यानी कि अपनी उम्र को पार कर चुकी है। उत्तराखंड में गर्मी का सीजन है, गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगती है, लेकिन फायर सर्विस के पास संसाधनों की कमी है। देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। जल विद्युत निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 500 घरों पर अवैध कब्जे के निशान लगाए गए हैं और ढालीपुर से डाक पत्थर तक ये अतिक्रमण हटाया जाना है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विकास नगर की, जहां पर जल विद्युत निगम की जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 500 घरों पर अवैध कब्जे के निशान लगा दिए गए हैं। ढालीपुर से डाक पत्थर तक ये अतिक्रमण हटाया जाना है। तो विकास नगर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है शुरू हो गई है। दरअसल ये जो मकान आपको दिख रहा है, जो निर्माण दिख रहा है, ये जल निगम की जमीन पर है। सरकार द्वारा पहले ही कहा गया था कि अतिक्रमण होना है। हालांकि यहाँ के कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है और उसके बाद में आज अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जेसीबियां लगी हुई है, लोगों के घर टूट रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पुलिस पूरी ढालीपुर जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे शक्ति नहर है। कोई महिलाएं आक्रोश में आकर, कोई बुजुर्ग आक्रोश में आके नीचे नदी में ना कूदें, इस नहर में ना कूदें, इसलिए पूरी जल पुलिस तैनात कर दी गई है। और ये जो अतिक्रमण घटना है, ये ढालीपुर से लेकर डाक पत्थर तक घटना है। 500 घर जो है चयनित किए गए हैं। अभी ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि यहाँ महिलाएं और बच्चियों का रो रो के पूरा हाल हो चुका है। प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा है, मगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने अवैध रूप से जमीन नहीं कब्जाई है। तो विकास नगर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। प्रशासनिक कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे जो निर्माण है वैध है, ये कोई अवैध निर्माण नहीं है। पंचायती का तोड़ा
और निशान आगे लगा हुआ था, ये था आगे लगा जामन के पेड़ पे, तो आपने रोका नहीं इन्हें कि मैं ये जोर से उन्होंने बाहर निकाल दिया, घर बाहर निकलो घर में से। अतिक्रमण अभियान बहुत टाइम से चल रहा था, प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है इसको और जिनकी ये भूमि है और उसमें हम एज ए सपोर्टिंग फोर्स हमारा फोर्स लगा हुआ है ताकि लॉ एंड ऑर्डर। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम ये बताइए कि जो पूरी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है लगभग कितने अवैध निर्माण यहां बना लिए गए हैं और क्या हो रहा है इस वक्त मौके पर? जी अवधेश जी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अवैध कब्जे किए गए थे ये बहुत पहले से किए गए हैं, हालांकि जो जल विद्युत निगम है वो 2018 में जागा और 2018 में इन्होंने जो है लोगों को नोटिस जारी किए, हालांकि उसके बाद नोटिस पे लोगों ने बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद कोर्ट जो निगम जो है कोर्ट चला गया, कोर्ट से ये आदेश हुए हैं और ये लगभग जो है 500 मकान चिन्हित किए गए हैं और अभी डकरानी डालीपुर और ये लास्ट में जो है डाक पत्थर तक ये मकान टूटने हैं तो और पूरी छावनी में तब्दील हो चुकी है ये जगह जो है, सारे जगह पूरे जिले की पुलिस यहाँ लगा दी गई है, हालांकि लोग रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है कि कोई हिंसा पे उतर आया है, तो अभी तक तो फिलहाल शांतिपूर्ण ही चल रहा है लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल विक्रम हमारे साथ आप बने रहिए, विकास नगर से एक और बड़ी खबर उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वहां पर बदहवास हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, हालांकि विरोध भी हो रहा है पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विकास नगर से जहाँ पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, 500 घरों पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल ये जो पूरा अवैध निर्माण हुआ था इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, प्रशासनिक टीम मौके पर है, लोग विरोध भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका निर्माण अवैध नहीं है, विकास नगर में जल विद्युत निगम की जमीन से हटाया जा रहा है पूरा निर्माण। तो देखिए अतिक्रमण जो हटाने की कार्रवाई है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। सरकार ने 60 साल से अपनी जमीन लेने के लिए तैयार है, सरकार कहाँ गई थी सरकार वो? तो लोगों का कहना है कि इनका निर्माण जो है अवैध नहीं है लेकिन जल विद्युत निगम का कहना है कि पूरी तरीके से अवैध निर्माण उनके जमीन पर किया गया है और इसलिए ये इनका विरोध। और एक और बड़ी खबर है विकास नगर से, हिमाचल जा रही कार हादसे का शिकार हुई है, 100 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई, हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, SDRF की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो विकास नगर में हादसा हुआ है, हिमाचल जा रही कार हादसे का शिकार हो गई, 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई और जो पहली सूचना आ रही है उसके मुताबिक लगभग 4 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। विक्रम हमारे साथ बने हुए, विक्रम ये जो कार है इसको इसका रेस्क्यू किस तरीके से हो रहा है और क्या जो लोग हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, कहाँ के थे और कौन थे? जी ये कार जो है विकास नगर से हिमाचल की तरफ जा रही थी, हिमाचल के ये लोग बताए जा रहे हैं, 4 लोग इस कार में सवार थे, हालांकि स्पीड जो है तेज रफ्तार ही बताया जा रहा है अभी तो, और SDRF की टीम अभी जुटी है, काफी 100 मीटर गहरी खाई में गए हैं और क्वानू और मिनस के बीच में ये दुर्घटना हुई है, तो अभी जैसे ही ये रेस्क्यू होता है उसके बाद ही सारी जानकारी मिल पाएगी, फिलहाल अभी रेस्क्यू जारी है। धन्यवाद विक्रम आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो विकास नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 100 मीटर गहरी खाई में एक कार चली गई, हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, जो पहली जानकारी उसको बता भी ये कार हिमाचल जा रही है। देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अलग अलग दलों से जुड़े लोग भाजपा की सदस्यता लेने पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव करीब आ गया है ऐसे में भाजपा लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है, जो अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं सदस्य हैं वो भाजपा की सदस्यता लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए देहरादून में जो भाजपा कार्यालय है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता इन लोगों को दिलवा रहे हैं।
देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर अलग अलग दलों से जुड़े लोग भाजपा की सदस्यता लेने पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में ये सदस्यता हो रही है। उत्तराखंड की अब बात करते हैं, उत्तराखंड के मौसम की। मौसम पर विभाग का कहना है कि 21 मार्च तक प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। 21 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और अधिकतर जगहों पर बारिश, ओलावृष्टि होगी। वहीं 3000 मीटर तक बर्फबारी होने की भी संभावना है। 19, 20, 21 ये तीन दिन जो आगे भी हैं, तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो उत्तराखंड में बनी रहेंगी। कल आप ये कह सकते हैं कुछ जगहों तक में एक्टिविटी मिलने की संभावना है, लेकिन 20 तारीख में जो है फिर से आप देखेंगे ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से जहां वनाग्नि की घटनाओं में राहत मिली है, वहीं बारिश के दौरान हुई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो रुड़की, हरिद्वार और देहरादून में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों पर हो रही लगातार बारिश से हिल स्टेशनों का पारा भी लुढ़क गया है। लेकिन बेमौसम बारिश से जहां किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं, वहीं बढ़ते तापमान में भी गिरावट आने से लोगों को राहत जरूर मिली है। आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो 21 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 3000 मीटर तक अगर देखें तो बर्फबारी होगी और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच ओलावृष्टि से किसानों की दिक्कतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। बिजली गिरने की संभावना पर मौसम विभाग ने कहा है कि लोग इस दौरान एहतियात बरतें। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। रुड़की में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। मकान में मलबे में दबकर घर में मौजूद एक शख्स घायल हो गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर शख्स को मलबे से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की तैयारी की जा रही है। हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में नाम बदलने को लेकर सहमति बन गई है। सलाहकार समिति का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से गहरा नाता है, उन्हीं की देन है कि उत्तराखंड अलग राज्य बना, इसलिए एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और उत्तराखंड की जेलों में अब जल्द ही नया जेल मैनुअल जारी हो सकता है। धामी सरकार की अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड की जेलों में चल रहे सालों पुराने कानून की जगह जल्द ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। देश भर के जेलों में कैदियों की समस्याओं को देखते हुए साल 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया गया था। इसी आधार पर राज्यों को भी अपने स्तर पर मैनुअल बनाने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में भी साल 2019 में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन 4 साल बाद भी नई जेल नियमावली तैयार नहीं हो पाई। उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में जो यूपी का जेल मैनुअल था वही अडॉप्ट किया गया था और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था। अभी फिलहाल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिजन मैनुअल सभी स्टेट्स को सर्कुलेट किया था। हमारी स्टेट भी उसी पर कार्य कर रही थी। कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही तैयार होगा और होपफुली हम उसको अगली कैबिनेट की बैठक में पुट अप कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि आखिरकार जेलों में नए मैनुअल की जरूरत क्यों है? दरअसल नए जेल मैनुअल से जेलों की दशा में सुधार होगा, साथ ही जेलों में नियमों की ढील और कैदियों की रिहाई को प्राथमिकता की कोशिश होगी। ओवरक्राउडिंग हमारी जेल्स की है, डेफिनेटली हमारी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है और ज़्यादा प्रिजनर्स और इनमेट्स हमारे पास हैं। इसको देखते हुए हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जेलों को बढ़ाने का जो हमारा प्रस्ताव है, नई जेलें बनाने का, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स जेल में हैं जिनको प्री मच्योर रिलीज किया जा सकता है, तो नियमावली में संशोधन करके और उसके साथ इन प्री मच्योर रिलीज के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है। उत्तराखंड के जेलों में भी इस समय कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में जेलों के अंदर हालात ठीक नहीं है, क्षमता के हिसाब से ये संख्या बहुत अधिक है। जाहिर है नए जेल मैनुअल के बाद इस समस्या को भी कम किया जा सकेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। रुड़की में हाईवे पर ओवर स्पीड के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसलिए अब हाईवे पर नारसन बॉर्डर से स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। परिवहन अधिकारी के मुताबिक ये कैमरे वाहन की स्पीड और नंबर प्लेट को बड़ी आसानी से
रीड कर सकेंगे। तो हादसे लगातार हो रहे हैं, अभी एक और कार वहाँ पर पलट गई थी, लेकिन सवाल ये भी है कि तकनीकी तौर से जो सड़क में दिक्कतें हैं वो आखिर कब ठीक होंगी। रुड़की में परिवहन विभाग ने हाईवे पर नजर रखने के लिए अब ANPR कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं इस समय दिल्ली हरिद्वार हाईवे में मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी हाईवे पर जो है ANPR कैमरे लगा दिए गए हैं, यानी अब जो है वाहनों की स्पीड भी, ये जो स्पीड है उस पर भी नज़र रखी जा सकेगी और साथ ही जो आए दिन हादसे हो रहे हैं उन पर भी यहाँ पे नज़र रखी जा सकेगी, ताकि जो लोग ओवर स्पीड के कारण ही हादसा शिकार हो रहे हैं अब इन कैमरों की जद में वो आ जाएंगे और हादसों पर भी लगाम लग पाएगी। फिलहाल ये कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, पहला ये कैमरा जो है नारसन बॉर्डर पे लगाया गया है, जिसमें चार कैमरे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और कुछ दिनों बाद इनकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरा कैमरा जो है हरिद्वार जिले के ही शामपुर बॉर्डर पे लगाया जा रहा है, यानी फिलहाल हरिद्वार जिले में जो दो कैमरे लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ओवर स्पीड के कारण जो हाईवे पर हादसे हो रहे हैं उन पर जरूर रोकथाम यहाँ पे लग पाएगी और वो लोग जो ओवर स्पीड से चलते हैं उन वो इन कैमरों की जद में आ जाएंगे। देहरादून में यातायात को सुचारू ढंग से चलाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दून पुलिस ने एक और प्लान तैयार किया है। अब नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से उठाया जाएगा। शहर में ऐसी 10 क्रेन अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने PPP मोड पर 10 नई क्रेन लगाई है। तो क्रेन हमने फ्लैग ऑफ की है, अब तक की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी वो 3 क्रेनों की थी और लगभग घंटा घर के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम हार्डली 50 वाहनों तक कार्रवाई कर रहे थे। तो एक बहुत सुंदर मॉडल है जो 127MV एक्ट का एक आधार है, उसी के तहत हमने PPP मोड पे 10 नई क्रेनें ली है और ये मॉडल भारत के सारे शहर में UP पुलिस द्वारा यूज किया जाता है। इसी के तहत 10 अलग अलग जोन्स में इस क्रेन को डिप्लॉय किया जाएगा। हम ISBT से लेके मालसी डियर पार्क तक अब कार्रवाई कर पाएंगे और जो हमारी कार्रवाई अभी तक 50 वाहनों तक सीमित थी, हमें पूरी आशा है लगभग 250 वाहन हम प्रतिदिन टो कर सकेंगे। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल को फिर से पुराने स्वरूप में लाने की कवायद चल रही है। DM वंदा ने निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 का निर्माण काम पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। मल्ला महल का कार्य काफ़ी लंबे समय से फेज 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीमी थी, उसके बाद इनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन बड़ी समस्या, इस बीच टिहरी से अच्छी खबर है। सेमल्थ गांव में ग्रामीण रिवर्स पलायन कर रहे हैं। इस गांव में 3 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ने के बाद यहां लोगों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। कई दशक पहले गांव छोड़कर गए लोग अब घर वापसी का मन बना रहे हैं। हमारी मुहिम तो यह है कि हम यहाँ पर होम स्टे की योजना, बागवानी की योजना, सौर ऊर्जा की योजना, इस प्रकार की योजनाएँ बनाएँ और उस योजनाओं को बना करके हम स्वावलंबन, अपना स्वरोजगार खड़ा करें और स्वावलंबी बने। वही उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, मगर अभी बिजली की किल्लत की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में कुछ बच्चे सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे बैठकर पढ़ाई करते नजर आए। ये बच्चे ठंड की वजह से आग जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 15 गाँव में कई दिन से बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल लाइट टूटने के कारण कल हम रात भर परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए और हमने रात में सोलर लाइट के नीचे बैठ के किताब परीक्षा की तैयारी की और वो सोलर लाइट भी 12 बजे बंद हो गई, जिसके कारण हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। ये मामला संज्ञान में आया था, इसके लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है तो उनका कहना है कि 2 दिन पहले वहाँ PWD की रोड बन रही थी, उस वजह से कुछ पोल डैमेज हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी ही रिस्टोर कर दी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद आज सुबह मौसम खुलते ही बद्रीनाथ धाम का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मगर आज मौसम खुलने पर ठंड से कुछ राहत जरूर मिलेगी। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।